राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, टीवी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य ही मेरा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में शोषित समाज, वंचित समाज, उपेक्षित समाज आज बहुत अधिक है जिनका कोई ध्यान नहीं देता, जो आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है। उक्त बातें जनसंपर्क के समय आम आदमी पार्टी के साहगंज विधानसभा से प्रत्याशी विनोद कुमार प्रजापति ने कही। उन्होंने कहा कि इस समाज तक, जन जन तक उनका विकास पहुंचे। आज मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो जन जन की खुशी की बात है। लेकिन वर्तमान सरकार में बिजली का बिल अधिक होने से गरीब वर्ग कुचला जा रहा है, जिससे सह पानी में दिक्कत आ रही है। अगर यह सुविधा उत्तर प्रदेश और सागर में लागू होता है, बिजली पानी शिक्षा की सुविधा यदि मुफ्त से हर वर्ग को मिलेगा, तो गरीब तबका मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा और रोजगार परक होगा। दिल्ली में महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जगह जगह पर कैमरे की व्यवस्था की गई है, जो यूपी में भी लागू होगा। आइए सुनते हैं सागर प्रत्याशी विनोद कुमार प्रजापति ने क्या कुछ कहा। यह खास रिपोर्ट थी सागर जौनपुर से श्री कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। किस उद्देश्य से आप सागर में आए हो? पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। मेरी पार्टी ने एक उद्देश्य पाला है, विकासी नीति। आज तक साहगंज में जो भी पार्टियां आई है, वो सारी पार्टियां केवल बोलबाला के हिसाब से आई है, छलावा की है, और मेरी पार्टियां विकास नीति लेकर के आई है। हम खुटहान से चलकर साहगंज तक आज आए हैं। आज रोड की स्थिति इतनी खराब है कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो साहगंज पहुंचने में उसकी दशा दुर्दशा में बदल जाती है। मैं विकास नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, और विकास के लिए जो मूल मंत्र है वो है शिक्षा। आज दलित समाज, पिछड़ा समाज, शोषित वंचित समाज और गरीब मजदूर परिवार के बच्चे, जिनको आज वास्तव में शिक्षा की जरूरत है, उन तक शिक्षा पहुंच नहीं पा रही। हमारी आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर गंभीर रूप से, आम आदमी पार्टी से हो? जी सर। अच्छा। आज आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर बहुत तेजी से गंभीर है। दिल्ली में पूरी तरह से शिक्षा फ्री है, और वो फ्री शिक्षा गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, मजदूर समाज के जो बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं से परम वैभव की शिखर पे पहुंचाएगी, जो आज धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम उन तक इस योजना को पहुंचाएंगे और एक शिक्षित समाज बनाने का काम करेंगे। और शिक्षित समाज जो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, सत्य असत्य पहचानने की क्षमता होती है, वो अपना करियर स्वयं चुनेंगे। उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार पार्टी रोजगार देगी, सेल्फ डिपेंड होंगे और उनका विकास होगा। किसान आज आत्महत्या कर रहा है, बिजली की बिल बढ़ रहे हैं और किराए गाड़ी और परिवहन के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जीना आज मध्यम वर्गी के लिए बहुत दुश्वार हो गया है, इस पर आपका क्या कदम होगा? मैं पेट्रोल डीजल पे ये बात करता हूँ। हमें वो दिन याद है 2014 में, जब मैं पेट्रोल भरवाता था तो 64 रुपए पेट्रोल हुआ करते थे, आज पेट्रोल 108 रुपए हो गया। मैं गारंटी लेता हूँ, मेरी पार्टी पेट्रोल के पीछे आज 8.5 रुपया दिल्ली में पेट्रोल अपने तरफ से माननीय केजरीवाल ने कम किया है। अगर दिल्ली में किया है कम, तो उत्तर प्रदेश में भी इस बात पे वो विचार जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं से ये गारंटी भी लेंगे कि हम बोलने का काम नहीं करते हैं, हम दिखाने का काम करते हैं। काम 65 से प्रत्याशी घोषित किया गया, इसके लिए हम पार्टी को, कार्यकारिणी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा आपको संभावित उम्मीदवार किया गया है घोषित, आपका उद्देश्य सागर विधानसभा के मतदाताओं के लिए क्या है? देखिए, जो पार्टी का उद्देश्य है वो मेरा उद्देश्य है। पार्टी का उद्देश्य है, जो आज शोषित समाज है, वंचित समाज है,
उपेक्षित समाज है। सभी पार्टियां, चाहे जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी पार्टी का उद्देश्य है कि इन समाजों तक, जन जन तक उनका विकास का कार्य पहुंचे। आज अगर माननीय मनीष सिसोदिया जी ने घोषणा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, तो ये गरीब के लिए एक खुशी की बात है। आज 7-7.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली है, ये गरीबों के लिए कहीं न कहीं एक ऐसा भार है, अतिरिक्त भार, जो उनको सह पाने में दिक्कत होती है। अगर 300 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री मिल रही है तो कहीं न कहीं से उनको लाभ मिलेगा। इसके बाद भी शिक्षा फ्री है, तो गरीब परिवार, उपेक्षित दलित समाज है जो आज पैसे के अभाव में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, वो कहीं न कहीं से दिक्कत में है। अगर ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश में या हमारे साहगंज में लागू होता है तो वो भी उपेक्षित दलित समाज, गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, एक आत्मनिर्भर के रूप में हो पाएंगे और वो भी रोजगार परक हो पाएंगे। तो कहीं न कहीं से जो पार्टी कर रही है, जनमानस के लिए कर रही है, जो पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया, वो हमारी पार्टी कहीं न कहीं से ध्यान दे रही है। आप समझिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे का जो इंतजाम किया गया है, वो भी हमारे समाज की महिलाओं के लिए एक सुरक्षा है, जो कि एक ऐसा होता है, जो लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, सुरक्षित नहीं है महिलाएं, उनकी सुरक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे का जो इंतजाम है, कहीं ना कहीं ये हमारे उस समाज के लिए है जिस समाज का आज तक किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समाज इस समय वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि यह विज्ञापन की सरकार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सत्य बात है। आज भी जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं हुआ, जो स्मार्ट सिटी की बात की गई, और बरसात में स्मार्ट सिटी पूरी तरह से असहाय नजर आ रहे हैं। एकदम, मैं भी चलता हूँ खुटहन से लेकर साहगंज तक का रोड, आज भी पत्रकार महोदय आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े चला गया। ये कहीं न कहीं से साबित होता है कि जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी काम हो रहा है विज्ञापन पे हो रहा है। युवाओं द्वारा यह मांग रहती है कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी क्लियर नहीं की जाती है, इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर क्या कदम उठाएंगे? पूरा भरोसा है, आप दिल्ली मॉडल देख सकते हैं, रोजगार की गारंटी है। हमारे माननीय संजय भैया ने इलाहाबाद में बेरोजगारों के साथ मिलकर रोजगार की एक ऐसा पहल किया है, उन्होंने ऐसी योजना, ऐसी यात्रा किया है कि ताकि उन सरकार तक, कानों तक खबर जाए कि हमें भी रोजगार या युवाओं को रोजगार की जरूरत है। मेरी सरकार आने पे ये समझ लीजिए कि उनकी, युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार हर हाल में उनको रोजगार दी जाएगी, और ये रोजगार कहने की बात नहीं, गारंटी है मेरे पार्टी के द्वारा, और जरूर दी जाएगी जी। और आम आदमी पार्टी क्या कुछ अपने विशेष चैलेंज भी यूपी में विधानसभा में स्वीकार कर रही है? पूरी तरह चैलेंज, आप बताइए, हमारा उत्तर प्रदेश, लोग कहते हैं यहाँ जातीय समीकरण पूरी तरह से जटिल है। मैं कहता हूँ केजरीवाल, माननीय केजरीवाल का नाम लेने पे किस कोई जाति विशेष का अगर दिमाग में आता है तो आप बताइए। सभी पार्टियों में आप देखते हैं कोई न कोई विशेष है, लेकिन यहाँ कोई विशेष नहीं है। मैं एक ऐसा उत्तर प्रदेश में, मेरी पार्टी जाति समीकरण को नष्ट करके एक विकास का मुद्दा कायम करेगी, एक ऐसा मिसाल कायम करेगी जो सारे जाति बंधन को, धर्म को तोड़कर विकास को महत्व देगी। और यही जनता आने वाला 2022 में देखिएगा, इन सारी समस्याओं के जड़ों को निवारण करके माननीय केजरीवाल के नेतृत्व में कहीं न कहीं से विकास मॉडल को। आम आदमी पार्टी क्या यूपी में गठबंधन कर सकती है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये पार्टी के हाईकमान ऐसी घोषणा कर चुके हैं, 403 विधानसभा में लड़ेंगे अकेले, ऐसी हम लोगों में क्षमता है। यूपी का हर तबका, चाहे वह किसानी तबका हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे व्यवसायी वर्गीय हो, बिजली के बिल से बहुत परेशान है। एक नॉर्मल किसान के घर भी 2000 से ऊपर बिल आ रहे हैं माह के, इस पर क्या कदम है? अभी कल मेरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया है, चार घोषणा किया है, मैं गिना दूं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, और जो पुराना बकाया है, चाहे जिस हिसाब का बकाया हो, घरेलू बिजली पूरी तरह से वो शून्य कर दिया जाएगा, ये भार पूरी तरह से कम होगा, ये इससे जनता को पूरा लाभ होगा। उसके बाद किसानों का भी जो बिल है
वो भी निःशुल्क रहेगा और वो भी माफ किया जाएगा कहीं ना कहीं से। और जो आज बिजली से त्रस्त है उनको पीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर।